नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माह शाबान की पंद्रहवीं शब आती है जिसको लिसफ तो शाबान कहते हैं जब यह मुबारक रात आती है तो हजूर स्लातम के मुबारक कलिमात ये हैं कि अल्लाह हरबल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर अपनी शान के लायक नज़ूल इजराल फरमाते हैं दीगर हादीश के करमायत आते हैं कि गरूब आफ्ताब से सुबह लु फज्र तक ये सारी शब यानी चौदवी शाबान का सूरज जब गरूब होता है तो उस गरूब आफ्ताब से पंद्रहवीं की फ़ज्र के तुलु तक सारी रात उसकी शान के मुताबिक उसका नज़ूल इजलाल रहता है आसमान दुनिया पर और जो हदीस सदना सदीक़ी अकबर रजी अल्लाह ते मरवी है उससे कबल हज़रतमिन आयशा सदी रजी अल्ला की हदीस के अल्फाज का माना मुकम्मल कर लूँ फरमाते हैं कि नजूल इजलाल फरमाता है आसमान दुनिया पर और उस ज़माने में एक कबीला था बनु कल्ब वो मशहूर था सबसे ज़्यादा बकरियाँ उनके पास थी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का ये तरीक़ा और सुन्नत है कि उस ज़माने में जो बात फरमाई और उसके लिए मिसाल दी तो कुछ ऐसी मिसाल दी जाती जो बड़ी आसानी से मालूम और मफहूम होती लोग जिसकी बैकग्राउंड को जानते और आसानी से उसकी मुराद और उसके माना और नफहम को समझ लेते थे चूँकि यह कबीला अपनी लातदाद गिनत बकरियों के अतबार से बहुत मशहूर था तो उनकी मिसाल दे के हज़रत अमुल रज़ी अल्लाह ते फ़रमाया कि अल्लाह पाक इस रात अपने इतने बंदों की मफ़रत फरमा देता है जिसका शुमार आप नहीं कर सकती और तमसीलान फरमाया बनु कल्ब का जो कबीला है उसकी बकरियों के बाल हैं उन अगर सारे बालों को गिनना शुरू करें तो उस अदद से भी कहीं ज्यादा लोगों की बख्शिश फरमाता है इस मिसाल का मफहम यह था कि इतनी बख्शिश फरमाता है कि शुमार से बाहर और सीदना सदी के अकबर रजील्ला तुमने जो रिवायत की जिसको मैंने ज़िक्र कर दिया कि इमाम बज़ार ने रिवायत किया है और इमाम बेहक ने रिवायत किया है और इमाम बेहकी और इमाम बज़ार फरमाते हैं कि यह ऐसी रिवायत है कि इसकी सनद को कबूल करने में कोई हर्ज नहीं यानी मकबूल सनद है उसमें अकाल सलाम ने फ़रमाया कि अल्लाह पाक उसी तरह आसमान दुनिया पे नजूल इजलाल फरमाता है और अपने बंदों में से इतनी बख्शिश मफरत फरमा देता है जिसका कोई शुमार नहीं सिर्फ काफिर मुशरक रह जाता है और अपने भाइयों के लिए अपने दिल में बुग्जो इनाद रखने वाला आदमी जिसका दिल बुग्ज और इनाद से भरा हुआ है वो बच जाता है वो इस बख्शिश के फैस से महरूम रहता है अगली हदीस में जो हजरत अब्दुल्ला बिन अमर से मर है जिसे फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्त में रिवायत किया और इमाम हैसमी ने बयान किया तो उसके अंदर अल्फाज हैं कि बुग्ज़ और इनाद रखने वाला और बुग्ज़ और इनाद की वजह से वो फिर चुगल खोरी करता है चुगली करता है दूसरों की बदखोई और बद करता है दूसरों के लिए और दूसरा फरमाया जो ना हक इंसानी जान को कतल करने वाला कात लाल वो रह जाता है जिसकी बख्शिश नहीं होती फिर इसी तरह हज़रत मुहाज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तब से भी इन्हीं अल्फाज के साथ हदीस मर हुई है जिसको इमाम इबन हिब्बान ने अपनी सही में रिवायत किया है और इमाम तबरानी ने मजमल कबीर और मुँह जमल में रवायत किया है और मुसनद में भी मरवी है और इमाम हैसमी ही फरमाते हैं कि इमाम तबरानी ने कबीर और औसत में जो रिवायत किया तो दोनों हदीसों के जो सनद है उसके रिजाल सीखा है इसी तरह फिर इसी मज़मून की हदीसें हजरत अबू मूसा अशहरी रज़ी से भी मरवी है ये थोड़ा सा ज़िक्र करना इसलिए मकसूद है आज की रात की फजीलत के बाद में कि आपको मालूम हो कि यह सिर्फ एक हदीस नहीं है नहीं एक रिवायत है एक सनद के साथ और नहीं हदीस की किसी एक किताब में एक इमाम हदीस ने इसको लिया है नहीं दर्जनों कुुब हदीस में दर्जनों आइम हदीस ने दर्जनों असानीद और तरक के साथ और कई सिहाबा कराम से अलग अलग इस हदीस को रिवायत किया और हर एक के इसनाद का मरतबा जुदा जुदा है तो अबू मुसाशरी अली रजी तु से मरवी है वो सुन इबन माजा में आई है और सुन इबन माजा की इस रिवायत के बाद में इमाम मिजी जो साहेब तहजीबुल कमाल हैं असमाजाल के बहुत बड़े इमाम वो कहते हैं कि इसकी सन्त जयद है और फरमाते हैं हदीस के सही होने में कोई शक नहीं ये इमाम मिज़ी का कौल है फिर जैसा कि मैंने अर्ज़ किया इमाम कियाबन इबान और तबरानी का वो आ गई फिर इसी तरह हजरत अबू साबा खुशनी रजी अल्लाह तुन उनसे भी मरवी है ये हदीस और तफसीली मजमून के साथ उसे भी इमाम तबरानी इब्न अब आसम और बेहक़ी रिवायत किया है और ये जयद मुरसलात में से है और इसको अलबानी ने जो सलफ़ी मकतब फ़िक्र के एक आल में और हदीस के इसनाद के मौके कहें उन्होंने इस हदीस को सही करार दिया और फिर से दिना अलीज़ा करमल्ला वजहल करीम से भी मरवी है यह हदीस और तफसीली मज़मून के साथ जिसके अंदर ये है कि इस रात को क़्याम किया करो और इसके दिन को रोज़ा रखा करो और अल्लाह रब्ज़त गुरूब शम्स से ही आसमान दुनिया पर लोगों की बख्शिश के लिए नज़ूल इजलाल फरमा लेते और फिर ये आवाज़ आती है निदा आती है फ़क़ूल अला मुस्तफ़िरन ली फ़िर अलहू क्या कोई शख्स है जो आज मुझसे मफ़रत तलब करे और मैं उसको बख्श लूँ अला मुस्तऱ उनफ हूँ है कोई शख्स जो आज की रात मुझसे रिज्क तलब करे और मैं उसको रिज् अता कर दूँ इसी तरह निदा आती चली जाती है कोई मुसीबत में मुबतला मुझसे आफ़ियत तलब करे मैं उसे अता कर दूँ अला कज़ा अला कज़ा हत् यतलोलफज्र इस तरह निदा आती रहती है हती के फ़ज्र तुलू हो जाती है। य सीदिनलीतज़ा रजील्ल तु तो से मरवी इस अदीस को भी इमाम इबन माजा ने अपनी सुनन में इकामत सलात व सुन्ना के बाप में और इमाम बेही ने शबाईमान में जिसमें उन्होंने सही और हसन अदीस के लाने का अहमाम किया खुद फरमाते हैं और फिर इमाम देलमी ने अलफरदस में रिवायत किया फिर हजरत ओसमान बिन अबिल से भी मरवी है वो भी इमाम बहकी ने उसको लिया है अलाजल क्यास अला बिन हारिस से मुसला हजरत उम्मीन आयशा शदीक़ा रजी अल्ला हदीस के अल्फाज और इमाम बहकी कहते हैं ये मुरसल भी जयद मुरसल है और कसीर बिन मुर्रा अल-हदरमी से भी मरवी है अब्दुल्ला बिन उमर से भी मरवी है मुसनफ़ अब्दुलरजाक में और कसीर बिन मुर्रा अलहदरमी की रिवायत को भी इमाम बे की कहते हैं ये मुरसल जैद मुरसलात में से है तो अलाज़ अकयास मैंने चंद हदीस का तस्करा कर दिया बहुत सी हदीस और मरवियात हैं बहुत से तरक और रसानीत के साथ मेरी किताब है हदीस पर अपनी ये मेरे हाथ में है गायतुल इनाम इसको देख लें फी बाद जमन शहूर वलयाली व्याम पूरे साल के जो बारह माह हैं उनके मुख्तलिफ ज़मानों और मुख्तलिफ महीनों मुख्तलिफ दिनों और मुख्तलिफ रातों की फजीलत सिर्फ अदीस नबवी की रोशनी से ये हदीस पाक में शर तफसील और बयान के साथ और अदीस के जो उनकी असानीद उनके अहकाम के साथ ये पूरी किताब है गायतुल इनाम उसी में से मैंने चंद अदीस आपको सुना दी ये ज़खीम किताब है यानी कोई पाँच सौ सफात पाँच सौ पंद्रह सफ़ात पर मुश्तम है यह हदीस की किताब और ये अदीस नबविया जिनका ताल्लुक मुबारक शब लतुलसव शाबान से जिसमें अल्लाह रब्ज़त का आसमान दुनिया पर नज़ूल इजलाल फरमाने का जिक्र है सबसे पहले नई वीडियोस को हासिल करने के लिए शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें